गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 26 निकालिए। पेज नंबर 26, 26 देख रहे हो बच्चों, ये क्या है? यहाँ स्वरों के बारे में अधिक जानकारी हमें करनी है। बच्चों स्वर व्यंजन आपको अभी अच्छी तरह से आते हैं ना? वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, इसकी और ज़्यादा हम जानकारी लेंगे। अ से आहा तक के अक्षर लिखिए, राइट लेटर्स फ्रॉम अ टू आहा। ठीक है, ये देखो बच्चों, एक फ्लावर दिख रहा है आपको, यह गोल 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 किया है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, अ टू आहा। तो लिखिए, पेज नंबर 26 निकालिए बच्चों और लिखते जाओ, अ आ ई ई उ उ रु ए ऐ ओ औ अम आहा। ओके, आप ऐसे लिखो बच्चों। उसके बाद बच्चों, तीन प्रकार के स्वर होते हैं, तीन प्रकार के स्वर होते हैं, थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोवेल्स, थ्री प्रकार के होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और योगवाहक। ह्रस्व स्वर में बच्चों अ ई उ ए, जैसे कि अ ई उ और ए, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में बच्चों क्या क्या, दीर्घ स्वर में क्या आता है? ये आ ई उ रु ऐ ओ औ, यहाँ तक आता है। ठीक है, योगवाहक में बच्चों क्या आता है? अम ए आहा, यानी ये अम और आहा। समझ में आ गया? जैसे मैंने यहाँ एक लकीर खींची है, यहाँ लकीर खींची है, यहाँ मैंने स्टार दिया है और यहाँ इसे करेक्ट किया है, आप भी कर सकते हो पहचान के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ह्रस्व स्वर में अ ई उ ए, दीर्घ स्वर में आ ई उ रु ए ओ औ। ह्रस्व यानी क्या? शॉर्ट, कम समय में बोलने वाले स्वर वर्ण, अ ई उ ए। दीर्घ यानी हमें जब वो वर्ण हम बोलते हैं तो हमें बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि आ ई उ रु ऐ ओ औ। ठीक है, इसलिए ये दीर्घ स्वर। योगवाहक, योगवाहक में अम आहा, अम आहा। समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए, अ से आहा तक के अक्षर लिखिए, राइट लेटर्स फ्रॉम अ टू आहा। ऐसे लिखिए बच्चों आप भी, अ आ। आपके पास कलर पेंसिल है तो कलर पेंसिल से भी लिख सकते हो, उ उ रु ए ऐ ओ औ अम आहा। ओके, समझ में आ गया? इसके बाद देखो बच्चों, अक्षर व शब्दों में समन्वय, समन्वय अक्षर और शब्द, इसमें समन्वय, समन्वय यानी क्या? साम्य है इसमें, शब्दों को पढ़कर पहला अक्षर गोल करे, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द फर्स्ट लेटर्स, क ख ग घ न, व्यंजन हम देख रहे हैं ये, क ख ग घ न।
तो हमें क्या करना है, ये देखिए बच्चों, पहला अक्षर यहाँ लाल रंग से लिखा है, लाल रंग से लिखा है ना, तो हमें क्या पूछा है, पहले अक्षर पर गोल करना है। जैसे कि तुम्हें परीक्षा में ये मैंने प्रश्न दिया था, आपने बहुत अच्छे से उसे लिखा है, तो ऐसे ही हमें करना है बच्चों कि पहले अक्षर पर ही गोल करना है। जैसे कि ये पहले अक्षर पर हमने गोल किया है, जैसे कि इसका रंग कौन सा है, लाल, इसका रंग लाल है, तो ये सारे हमने पहले अक्षर पर गोल किया है। तो आपको ये सारे व्यंजन है बच्चों, इस व्यंजन को, व्यंजन से ये शब्द बने हैं और हमें इस शब्द के पहले अक्षर पर गोल करना है। कर सकते हो बच्चों आप, करिए ना, ऐसे ऐसे गोल करिए। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 निकालिए बच्चों, जहाँ लाल रंग का अक्षर है उस पर हम गोल गोल करेंगे। आप भी करिए बच्चों, वेरी गुड, ऐसे ही कर सकते हो, कितना आसान है बच्चों। मैं यहाँ तक करती हूँ और आपको ये बाकी का घर में करना है, ये देखकर आपको घर में करना है, यहाँ तक आप कर सकते हो। पेज नंबर 28 निकालिए बच्चों, पेज नंबर 28, यहाँ मौखिक अभ्यास यानी ओरल एक्सरसाइज, हमें सिर्फ पढ़ना है, मौखिक अभ्यास ओरल एक्सरसाइज। एक, रज अनार खा। दो, वह अजगर है। तीन, आम फलों का राजा है। चार, यह इमली है। पाँच, ईख से शक्कर बनती है। छः, रमा ऊन के कपड़े पहनो। सात, उल्लू पेड़ पर सोता है। ऋषि तप करते हैं। यह एक कलम है। आपको ऐनक पहनी है। तुम्हें औषध लेना है। अंगूर अच्छे हैं। तुम्हें दवा लेनी है। पक्का आम मीठा है। ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे बच्चों और ये बाकी का मैं आपको कल पढ़ाती हूँ। ठीक हो, ठीक है, थैंक यू।